देखिए वीरू बहुत लोग पूछ ये सवाल पूछते हैं कि कौन से गैप अप चेज करने चाहिए कौन से गैप अप आपको अवॉइड करने चाहिए आप उन गैप अप्स को चेज करिए जिनमें या तो मैक्रो न्यूज़ हो या फिर ट्रेंड रिवर्सल हो ठीक है वो गैप अप्स हमेशा अवॉइड करें जिनमें आप ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो और जहाँ पर विदाउट एनी मैक्रो ट्रिगर आपको गैप अप मिल रहा हो अब ट्रेंडिंग मार्केट में जो आज हुआ है इसके लिए और एक चीज मैं बताऊँ आपको बड़ी ट्रेड बाय ऑन डिप्स की है जहाँ पर ये डिप खत्म होगी वहां पर बड़ी ट्रेड बाई की ही बनेगी डे लो के स्टॉप के साथ लेकिन वेट करना होगा आपको जहाँ पर वो डिप खत्म हो जाए तो एक बार के लिए वो शॉर्ट ट्रेड का पूरी हुई वो व्यू इसलिए भी था क्योंकि आज एक लग रहा था कि एक इजी एक सॉर्ट ऑफ जैसे कहते हैं ट्रेड है एक बार के लिए अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए इंटर में लेकिन फोकस करें इंडिविजुअल स्टॉक्स पर निफ्टी में जहां पर भी ये बॉटम बनेगा दोबारा एक लॉन्ग ट्रेड बनेगी उसको भी हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो व्यू वही है कि बाय ऑन डेप्स अप को चेंज मत करिए स्पेशली अगर आप इतने बड़े कॉल राइटर जोन के आसपास खोल रहे हैं वहां एक बार तो रिजेक्शन जरूर आएगा वो एक बार का रिजेक्शन आ गया दूसरी बार अगर गए वहां पर तो वो निकल जाएगा फिर उसके बाद ओके okay, तो इंडेक्स पे आपको हल्की सी एक पिक्चर मिल चुकी होगी एग्जैक्टली डिप आया डिप अच्छा डिप एज ऑफ नाउ एक कैंडल जो सुबह से पहली ग्रीन बनी है वो है कल का जो लास्ट आधे घंटे का एवरेज प्राइस था उसका हाई क्लस्टर ओके स्क्रीन पर क्या है जो आज स्ट्रेंथ दिखा रहा है अनुज निफ्टी का एग्जैक्टली इनवर्स बिहेवियर है आज निफ्टी आई में ओके okay, निफ्टी आई मेरे ख्याल से आज ये अपना हंड्रेड डे एक्सपोनिशन स्ट्राइक करता हुआ बहुत नजदीक खड़े हैं हम अर्निंग सीजन के बिल्कुल इनवर्स रिलेशन रहा है इसका पिछले दस दिन में अगर आप निफ्टी से देखें तो ये क्या पॉइंट है देखिए वीरू आज सुबह एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी आई थिंक उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट है इन्फोसिस पर लेकिन एक व्यू ये भी बन रहा था कि अब जो है आई में कुछ हद का बॉटम बना है यहाँ पर जिस तरीके के पैटर्न रहे हैं काफी ओवरसोल्ड था आई लेकिन तीन चार दिन का जो पैटर्न है वो ये बता रहा है कि अनलेस ये कंपनियां कंप्लीट शॉकर डिलीवर कर दें बड़ा शॉकर डाउन साइड नहीं है यहां पर डाउन साइड प्रोटेक्टेड है रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर और रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है मेरे ख्याल से लार्ज कैप आई टीम और मिड कैप आई में तो बहुत जबरदस्त फेवर में है क्योंकि मिड कैप आई भी काफी करेक्ट हो चुकी है उन कंपनियों पर फोकस करें जिन्होंने पिछले क्वार्टर अच्छे नंबर्स दिए थे और अच्छी गाइडेंस दी थी मेरे ख्याल से वो स्टॉक्स सबसे ज्यादा चलेंगे गए ओके और आईटी वाकई चलता हुआ और याद रखिएगा आईटी ने निफ्टी आईटी ने स्कीम पर रखिएगा प्लीज़ एक बार चार अप्रैल को एक आ, मेरे ख्याल से 22 मार्च के बाद पहली बार एक अटैम्प्ट लिया था हंड्रेड डे क्रॉस करने का सक्सेस नहीं हो पाया था बट मैं इस स्टोरी को और इस डिस्कशन को इस वक्त इसलिए इनिशिएट कर रहा हूँ क्योंकि एक्जैक्टली आपकी स्कीम पर प्राइस है थ्री, थ्री ये इसका हंड्रेड डे

अब वो कहीं ना कहीं थमा है एक मीनिंगफुल में जो गैप था अभी कुछ दिनों पहले दस बारह पहले 1545 के आसपास, उसको फिल करने की कोशिश करेगा आज। तो अगर होगा में तो एक बहुत ही हो सकता है। करेंट लेवल खरीदारी करिए, नाइनटी का स्टॉपस लगाइए और फिफ्टीन फोर्टी इस के तो एक से आपका आईटी स्टॉक्स पर निफ्टी को देख के लग रहा है एक बार के लिए शायद वो डिप खत्म हुई हो क्योंकि निफ्टी आईटी ने चलना शुरू किया है वहाँ से एक थोड़ी सी हेल्प मिली एक बार रिलायंस का भी चार्ट देख लेते हैं क्या रिलायंस कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रहा है वोल्टास वोल्टास में कल बड़े मूवस थे कल लेकिन टूवर्ड्स मतलब हायर लेवल थोड़ा करेक्ट हुआ था स्टॉक अब थोड़े से मोमेंटम आ है रहे हैं कॉनकौर हमारे बिग स्टॉक्स में था आज कॉन्को में अच्छे मूवज हैं अच्छा वो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बाद अब ओवरऑल रियल्टी ने भी चलना शुरू किया ओवरऑल रियल्टी का एक बार जरा चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर ये देखिए ओवरऑल रियलिटी इस समय एक अच्छे मूव्स दे रहा है पर, आ, शिवांगी आपने गोदेश प्रॉपर्टीज पिक किया था ओवरऑल पर कोई व्यू आपका जी बिल्कुल आ, आ, यू नो अनुजी हम देख रहे हैं कि पूरे ही रियलिटी स्पेस में अच्छा एक्शन है ओबरॉय रियलिटी का एक बहुत ही पॉजिटिव है कि फाइव डेज से कंसोलिडेशन कर रहा है और ये अपने लोअर जोन्स को काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें